everyone, welcome to another video. My name is Ahsan और आज अपनी सुबह के 7 बजे और मैं उठ गया हूँ और अभी शॉवर लेके हटा हूँ और नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही है, बट क्या किया जाए, उठना पड़ा है और आज एक जगह पे जाना है. सो स्टे ट्यून्ड, अभी आपको दिखाते हैं कहाँ पे जाना है. अभी मुझे कपड़े चेंज करने हैं और उसके बाद नाश्ता करना है और मुझे निकलना है और मेरे पास है ऑलमोस्ट 10 मिनट्स. सो वंस आई विल ड्रेस अप आई विल सी यू. चेंज हो गया, अभी घर से निकलने लगे हैं तो जाना है मुझे बहावलपुर. और मैं ये भी बता दूं कि इलेक्शंस के सिलसिले में जा रहा हूँ. अब बाम्बे से कुछ लोग सोच रहे हैं यार इलेक्शंस हो गए, तो मैं वहाँ पे पहुँच के आपको बताता हूँ कि क्यों बहावलपुर आया हूँ और इलेक्शंस के इससे कैसे ताल्लुक. बात है इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस आप लोग सोच रहे होंगे यार 2018 के इलेक्शन तो हो गए. मैं भी बता दूं कि आज ही नेशनल लेवल पे जो इलेक्शंस हैं मैं उन्हीं का वोट कास्ट करने जा रहा हूं, तो मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा बहावलपुर पॉपुलेशन ऑफिसर के ऑफिस में. तो बस चलते हैं बहावलपुर. और सो गाइस, लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज हो गया. हुआ ये कि कुछ जो है तकरीबन 20-22 के करीब लोगों ने जाना था, तो उसके लिए एक गाड़ी बुक करवाई गई थी. तो हुआ ये कि गाड़ी में तो लोग पूरे नहीं आए क्योंकि उसमें आई थिंक सो जो हाई रूफ होती है इंडस, उसमें मेरे ख्याल में 16 के करीब सीट्स होती हैं, तो वो तो लोग पूरे हो गए. अब मसला ये आया कि हम जा रहे हैं गाड़ी में, तो बस अभी वहाँ पे पहुँच के फिर मैं आपसे बात करता हूँ, आपको बताता हूँ कि मैं कैसे वोट देने आया. और डोंट गेट सरप्राइज कि भाई आज जो है वो 8 अगस्त है और मैं वोट कैसे कास्ट करने हैं. तो मैं आपको ये बता दूँ कि होम्योपैथिक के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो नेशनल काउंसिल के इलेक्शंस हैं, तो उसमें वोट कास्ट करने आया हूँ मैं भी. तो बस अभी रश तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता भी हूँ कि कितना रश है और उसके बाद वोट कास्ट करना है और फिर वोट कास्ट करने के बाद करते हैं आपसे बात. तो अभी वोटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद अब खाने का प्रोग्राम बन गया. तो अब सारे डॉक्टर जो साथ थे सब ने खाने का प्रोग्राम बनाया, तो सब खाना खाने आए. तो भी आई थिंक सो कि ये एक रेस्टोरेंट है जो कि काफ़ी जो है इकोनॉमिक लग रहा है, बट यार सुना है इसका खाना बहुत टेस्टी है. तो अगर इसका खाना मुझे टेस्टी लगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ इसकी लोकेशन शेयर करूँगा. अच्छा, खाने का प्रोग्राम भी ऐसा है कि भाई यहाँ पे सुना है कढ़ाई अच्छी मिलती है, तो सारे देसी खाने वाले तो देसी कढ़ाई का ऑर्डर हो चुके हैं. और ये है कि इसके बाद जाना है वापस और मुझे चाहिए कैट फूड. तो अभी कैट फूड दो जगह पर पता किया तो दो जगह से मुझे नहीं मिली, तो अभी जाते हुए रास्ते में देखते हैं अगर कहीं से मिलती है. तो बाकी यार भूख बहुत लगे हुए है, तो खाना खाने के बाद आपसे बात करेंगे. सबसे पहले तो आप तो गाइस खाना टेस्टी था. और ये देखिए ये है पीछे रेस्टोरेंट, देखने में ऐसे ही लग रहा है अहमद का दारुल कबाब. तो इसकी जो जगह है लोकेशन है वो है एग्जैक्टली कायदे आज़म यूनिवर्सिटी
के सामने, यानी कि जो QMC मेडिकल कॉलेज है ना उसके बिल्कुल गेट के सामने से रोड निकलता है और उस पर है। तो खाना टेस्टी, अगर आप चाहें तो आके टेस्ट कर सकते हैं। खाना खा लिया है और वापसी के लिए निकले हैं और रास्ते में नमाज पढ़ने लगे हैं। और ये मेरे पीछे आप जरा देखें, अरेबियन पंप, और माशाल्लाह बड़ा प्यारा इन्होंने बनाया है। तो बस अभी यहाँ पे नमाज पढ़ने लगे हैं और नमाज पढ़ के फिर वापसी और घर पहुँच के आपसे बात करते हैं फिर। और यार ये इलेक्शंस के बारे में ना आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये होम्योपैथी के इलेक्शंस होते हैं 5 साल बाद, तो उसमें भी वैसे ही वोट कास्ट होते हैं जैसा कि हम नेशनल असम्बली के लिए या प्रोविंशियल के लिए देते हैं ना, वो वैसे ही कास्ट होते हैं। अगर आप कभी भी हासिलपुर से बावलपुर या बावलपुर से हासिलपुर सफ़र कर रहे हैं तो आप इस पम्प पर जो है वो श्योरली स्टे कर सकते हैं। बहुत ही काम पम्प है और यहाँ पे जो वॉशरूम्स हैं वो भी आपको साम मिलेंगे और मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह अच्छी खासी है। तो बस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हासिलपुर जो है सक्सेसफुली पहुँच गए हैं। और यार सफ़र बहुत बुरा गुजरा, उसकी वजह ये कि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, खाना खा लिया था फुल पेट भर के, चाय नहीं पी थी जिसकी वजह से नींद काफ़ी आने लगी थी। अब और ऊपर से हुआ ये कि भाई कैट फूड नहीं मिली, तो कैट फूड काफ़ी मैंने सर्च की 2-3 जगह पे पता किया, मगर अब पापा जी साथ थे तो मैं कितनी जगह पे जा सकता था। तो भाई फाइनली आ जाके मुझे यहीं से चूना लगवाना पड़ा है और अगेन मुझे 1150 रुपये की 1.5 kg से भी कम कैट फूड मिल गई है। तो अभी इंशाल्लाह 1-2 दिनों में लाहौर का टूर लगेगा, तो वहाँ से जो है वो कैट फूड के 2-3 पैकेट जो है वो परचेज कर लूँगा। और बाकी ये कि फ्राइडे नहीं, संडे वाले दिन मैं एक जगह पे जा रहा हूँ, तो वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी कुछ देखने को भी शायद मिल जाए। तो बस वहाँ पे मैं आई थिंक जो संडे वाले दिन सुबह ही निकलूँगा यहाँ से, मुझे लाहौर जाना पड़ेगा उसके लिए, और 6 घंटे का सफ़र है टोटल। अच्छा तो खाली रोड है जी, तो टोटल 6 घंटे का सफ़र है और उसके बाद मुझे जी उस इवेंट को अटेंड करना है, और उसके बाद लाहौर में नेक्स्ट डे एक और काम होगा, वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बता दूंगा कि भाई मैं लाहौर में एक्चुअली किस लिए और किस चीज़ के लॉन्च इवेंट में गया हूँ, क्यों गया हूँ। और बस आप तब तक के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो। इम्पोर्टेंट बात वो ये कि यार कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता और सब एक बराबर हैं, और बस एक दूसरे की रिस्पेक्ट किया करो। और बाकी ये कि यार मुझे बहुत से लोग कहते हैं यार तुम ना वो बहुत हो, पता लग गया क्या होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि यार आप ना मतलब एटीट्यूड में बहुत रहते हो। भाई एटीट्यूड कहाँ का, मेरे से ज़्यादा फ्रेंडली बंदा नहीं आप लोगों को ही मिलेगा, आप आके बात करके तो देखो मेरे से और बाकी मेरे दोस्तों से पूछ लो। तो यार बस अभी घर पहुंच गया हूँ और शाम के 5:30 हो रहे हैं, सर दर्द कर रहा है, जाके चाय पीऊँगा और उसके बाद रेस्ट करूँगा, मे बी सोने के बाद उठूँगा या मे बी चाय पी के इसको एडिट करूँगा। और बस तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।